बाय बाय बाय, गुड नाइट। ऑल राइट, सो हे गाइज, वो सब एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय ऋषि मिश्रा, वेलकम बैक एंड बिगिन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। सो डूड, अभी सीन ये है कि अभी मतलब मॉर्निंग का ही टाइम है, अभी देखो थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया। इसका रीज़न ये है क्योंकि इतनी भयंकर बारिश बाहर हो रही है ना, एकदम तेजी वाली बारिश हो रही है भाई। और अभी मैं जस्ट नहा के आया, और मैं नहाया भी मतलब नॉर्मल नहीं नहाया, मैं बारिश के पानी से नहा के आया। एक्चुअली हम लोग बाहर गए थे, मतलब मार्केट गए थे, मतलब मैं और मेरे फ्रेंड थे, हम लोग चल के गए थे। सो हम लोग चले गए थे, जैसे हम रिटर्न हुए ना, आधे रास्ते पर जैसे बारिश चालू हो गई। सो मतलब चल चल के आराम से आ रहे थे, और मतलब कैसा मौसम बना हुआ था ना, बारिश वाला, घेर मतलब बदरी घेरी थी, बादल मतलब चमक रहे थे, तो हमें पता था कि बारिश हो सकती है, इसके लिए मैं फ़ोन लेके नहीं गया था। सो हम लोग चल के से वॉक पे गए थे। सो डूड ना, अचानक बीच रास्ते में बारिश होने लगी, हम लोग मतलब होने लगे ना, करीब 1 घंटे ना मस्ती कर करके भीग भीग के आए सुबह। मतलब पूरा मैं तो बारिश में नहा लिया। घर आने पर मम्मी पापा थोड़ा सा बोले कि मतलब सर्दी हो जाती है, ये हो जाती, वो हो जाती, बट मैंने सुना ही नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया। सो डूड, अभी बारिश वासी नहीं, अभी मैं फिलहाल ना गेस्ट रूम में बैठा हुआ हूँ और बारिश का मज़ा ले रहा हूँ। एकदम मतलब ठंडा ठंडा मौसम हो गया, एकदम जोर से हवा चल रही है। पहले मैं चल के आपको बाहर दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है इस टाइम पे। देखो गाइस, कितनी ज़्यादा तेज़ यहाँ पे बारिश हो रही है भाई। जितनी तेज़ बारिश हो रही है ना, उतनी तेज़ ठंडी भी लग रही है। मतलब बरोबर कैप्चर नहीं हो रहा है, बट बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है भाई, और ठंडी भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ लग रही है। देख रहे हो, पूरा पानी चारों साइड से भर गया है। आपने देखा ना बाहर कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। फिलहाल मैं ना मतलब गेस्ट रूम में, मैं मतलब डोर बंद कर दिया है, विंडोज़ बंद कर दिए, और बारिश में तो एक ही काम करने का मन करता है, बस ऐसा सोने का। मतलब कोई दूसरा काम करने का मन नहीं करता है, बस खाना खाओ सो जाओ, खाना खाओ सो जाओ, और इतना मज़ा आता है ना। और एक तो इस टाइम पर लाइट नहीं है भाई, वरना मतलब मस्त फ़ैन भी चालू कर देते ना, तो थोड़ा लाइट हो चालू करता, थोड़ा उजाला भी आने लगता, और फ़ैन भी चालू कर देता, मतलब ठंडी भी लगने लगती थोड़ी ज़्यादा। सो इस टाइम पर ठंडी लग रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैंने नॉर्मली टी शर्ट एक ही, देखो टी शर्ट एक ही डाला हुआ है, क्योंकि मतलब अभी मैं चद्दर डालने वाला हूँ ना। सो डूड, अभी ना मेरा सोने का मन कर रहा है, मतलब मॉर्निंग का टाइम ही है, और घर में ना सब लोग लिटरली सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं। मतलब मम्मी फ़ोन देख रही है, मतलब लेटी है, पप्पा फ़ोन देख रहे हैं, मतलब लेटे हैं, दादी सो रही है, और मैं भी गेस्ट रूम में आ गया हूँ। थोड़ा लेटूंगा, चद्दर सर पे डालूंगा और सो जाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि भाई बारिश में मतलब क्या काम करने का बाहर, मतलब कोई काम ही नहीं रहता ना बारिश में, बस ठंडा ठंडा मौसम रहता तो लेट जाने का। सो अभी फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ लेटूंगा, और उसके बाद उठेंगे, मम्मी को बोलेंगे मस्त की पकौड़ी कचौड़ी, क्या बोलते हैं यार, मतलब वो बनता है ना पकौड़ी, बोलेंगे मम्मी को वो बनाने के लिए, मम्मी पकौड़ी बना के मस्त का खाएंगे और बारिश में मज़ा करेंगे। तो गाइस, अभी फ़िलहाल चलते हैं अंदर, और कंबल ब्लैंकेट लेके आते हैं, और थोड़ा सा सो जाते हैं, उसके बाद उठेंगे। अभी जब भी मतलब नींद खुलेगी तब उठेंगे, क्योंकि भाई बारिश में तो एक ही काम करने का मन करता है, बस सोने का सोने का सोने का। गर्ल्स का तो मुझे नहीं पता, बट ऑलमोस्ट सभी बॉयज़ का तो एक ही मन करता है भाई, बस बारिश में सो जाने का। मस्त मज़ा आता है ना सोने में। सो मुझे मतलब सोने में मज़ा आता है, मुझे तो बिना बारिश के भी दिन भर सो सकता हूँ, तो बारिश हो रही है तो सोना तो बनता ही है ना। सो चलते हैं, ब्लैंकेट लेकर के आते हैं। सो गाइस, मैं ब्लैंकेट भी लेके आ गया, अभी थोड़ा सा मतलब सोएंगे, मतलब सोएंगे नहीं यार, मस्ती करेंगे, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा, मतलब ठंडा मौसम है ना तो मज़ा आता है थोड़ा सोने में। एंड आपको बताऊँ, मतलब मेरा ना जितना बिस्तर था सबका सब गीला हो गया, सबका सब, रात को मतलब मेरा नहीं, सबका लगभग सब बिस्तर गीला हो गया। हमने विंडो की तरह रखा था, विंडो खुली थी, विंडो का पानी आ रहा था, सब जुप करके पूरा गीला हो गया। एंड भाई रात से ही, मतलब रात से थोड़ी सोई थी, बट सुबह 6:30 बजे से लगातार बारिश हो रही है, अभी 10 बज रहा है। मस्त, पहले गुड नाइट यार, अभी आपसे मिलते हैं बाद में। हुम, बाय बाय बाय, गुड नाइट। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो डूड, गुड मॉर्निंग, अभी मैं जस्ट उठ गया, और मतलब मैं सोया था मतलब 11:15 बजे के आसपास करीब, और अभी बज रहा है 3:19 हो रहा है। सो मैं सोया करीब 5:30 घंटे तक। एंड डूड, पता है मुझे क्या हुआ, आपको बताता हूँ, रुक जाओ पहले। डूड, आज मेरा ना रिचार्ज खत्म होने वाला था, मुझे पता था कि आज मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है, बट मुझे ये नहीं पता था कितने बजे तक खत्म होने वाला है। मैं देखना भी भूल गया था, सुबह से बारिश हो रही है ना, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मैं भूल गया।
सो मुझे लगा कि शायद शाम तक खत्म होगा, तो मेरे को जो मेरा 2 GB डाटा मिलता है ना, सो मतलब पूरा यूज ही नहीं किया था। मतलब सुबह से मैं सो गया था, आज मतलब लेट सो के मतलब 8 बजे तक सो के उठा था, फिर ब्रश वगैरह किया, कुछ दोस्त लोग के साथ वॉक पे चला गया, फिर वहां से जैसे मतलब बारिश हो रही थी भीग गया था, फिर कपड़ा चेंज किया, फिर मतलब सो गया। सो मतलब मैं डाटा यूज ही नहीं किया था, अराउंड मतलब 70-80 MB यूज हुआ था कुछ, तो मैं सोचा था मैं शाम को आराम से यूज करूंगा, एंड भाई मैं सो के उठ रहा था तो मेरे को मैसेज आया कि योर डाटा हैज एक्सपायर्ड। मतलब मेरा आज का जो 2 GB डाटा मिला था पूरा खराब हो गया भाई। मतलब मैं सोचा था शाम को यूज़ करूंगा एंड यूज़ करना भूल गया। सो डूड पोपट हो गया यार, मतलब मेरा पूरा डाटा वेस्ट हो गया। सो मतलब मेरा फिलहाल बारिश बंद नहीं हुई एकदम, मतलब बारिश हो रही है बट मतलब थोड़ी 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 हो रही है, जो एकदम भयंकर वाली थी वो नहीं हो रही, मतलब थोड़ी थोड़ी हो रही है। सो मौसम मतलब देखो कितना ठंडा है, मेरे को पसीना थोड़ा भी नहीं हुआ जब मैं ओढ़ के सोया था, और लाइट तो अभी तक देखो नहीं आई है। सो बाहर का मौसम भी एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है, मैंने विंडोज़ भी खोल दिए हैं। सो और मेरा डाटा भी खत्म हो गया, तो मेरे को भैया को बोलना पड़ेगा, बड़े भैया को, उनको मैं एक बार बोलूँगा तो करा देंगे। सो अभी मैं फिलहाल फ़ोन नहीं करूँगा उनको, क्योंकि अभी ऑफिस में रहेंगे ना, सो अभी मतलब 5-6 बजे तक उनको फ़ोन करेंगे, और फिर मैं उनको बोलूँगा तो भैया करा देंगे रिचार्ज, 3 महीने का साथ में करा देते हैं। सो अभी फिलहाल मैं जस्ट देखो सो के उठा वैसा ही, ब्लैंकेट फोल्ड कर देता हूँ और फिर चलता हूँ, देख मम्मी को बोलता हूँ पकौड़ी बनाने के लिए, क्योंकि मतलब 3:30 बजने वाला है, अभी खाना कौन खाएगा इतनी लेट, क्या बोलते इतनी लेट खाना कौन खाएगा। तो चलते मम्मी को बोलते हैं पकौड़ी बनाने के लिए, तो मम्मी जैसे पकौड़ी बना देगी तब तक हम लोग कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि भाई बारिश हो रही है तो पकौड़ी तो खाना पड़ेगा ना। हाँ मेरी जान। सो गाइस अभी मैं जस्ट मतलब जैसे मैं अंदर आया लाइट आई थी थोड़ा सा, और थोड़ा सा आधे घंटे बस हो गया। सो अभी देखो 4 बज गया है, और अभी मैं एकदम फ्रेश उठा हूँ। मैंने मम्मी को बोला था पकौड़ी बनाने के लिए बट मम्मी नहीं बनाई, मालूम है क्यों? मम्मी बोली कि मतलब ना धनिया का पत्ता है और मतलब चटनी का कोई भी सामान है ना टमाटर है, सो मतलब नॉर्मल बना दो तो सॉस या फिर चाय से खा लेगा। तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि आप पकौड़ी खाने का मज़ा चटनी से ही आता है ना, तीखी वाली, सॉस और चाय से नहीं आता। सो मैंने मना कर दिया, तो मम्मी ने अभी चाय बनाया और अभी मेरे को उठाया। सो चलते हैं बिस्किट लेकर के खाते हैं, क्योंकि पकौड़ी का मतलब मज़ा यार चटनी के साथ ही आता है, तीखी तीखी चटनी रहती तभी मज़ा आता है ना। और अभी इतना बारिश हो रहा है कि मतलब बाहर नहीं जा सकते, अभी बारिश ना वापस से स्टार्ट हो गई है। सो हम बाहर जाके अभी मतलब कोई भी सामान नहीं खरीद सकते मार्केट से। सो हमारे पास ना धनिया है ना टमाटर है, सो चटनी नहीं बनेगी, बिना चटनी के पकौड़ी खाने का मज़ा नहीं आता। सो कोई बात नहीं, चाय बनी है, चल के चाय पीते हैं और बिस्किट खाते हैं। सो गाइस हमने अपनी चाय ले ली है, और फिर मैं सोफे बैठा हूँ, देखो चाय। सो इधर बिस्किट खाएंगे, थोड़ा थोड़ा अंधेरा आ रहा है ना, क्योंकि मतलब बारिश हो रही है तो मतलब बादल ब्लैक वाले हैं ना। सो मतलब बल्ब चलाया हूँ तो थोड़ा बहुत उजाला हो गया, बट थोड़ा सा अंधेरा आता रहेगा, सो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि भाई मतलब अंधेरा उजाला है ही नहीं भाई, पूरा अंधेरा ही है, क्योंकि लाइट ही नहीं है ना, मतलब लाइट है बट सनलाइट नहीं आ रही है ना। सो गाइज हमने नाश्ता भी कर लिया, और मतलब बारिश भी मतलब थोड़ी 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 मतलब ड्रॉपलेट बूंदी बूंदी वाली हो ही रही है थोड़ी बहुत, भाई मौसम एकदम बॉम्ब सा हो रहा है। अभी बज रहे हैं 5:45। सोल्यूट मैंने तो पकौड़ी नहीं खा पाया भाई, तो इसका मुझे अफसोस रहेगा। एंड अभी मैं क्या करूँगा, जब बारिश बंद होगी ना तो जाऊँगा लेके आके सामान रख दूंगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम बारिश हो, क्योंकि बारिश का सीजन है तो अभी डेली हो जाएगी, ताकि नेक्स्ट टाइम हो तो मैं खा सकूँ। सोल्यूट बारिश में तो यही मज़ा आता है, मतलब दो ही काम रहता है यार मेरे को तो, सोने का खाने का, सोने का खाने का, बस बाकी दूसरा काम नहीं था। आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोग बारिश में क्या करते हो, आप लोग बारिश में भीगना पसंद है, बाहर जाना पसंद है, राइड पे जाना पसंद है, सोना पसंद है, फिर खाना पसंद है, आप लोग कमेंट करके बताना भूलना मत। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी रहेगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी कभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।